हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड आई ब्राउट सम न्यू एयर ड्रॉप फॉर यू। तो पहला एयर ड्रॉप है फैन स्कोप का। ये डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है और ये एयर ड्रॉप में 500 टोकन से हमें दे रही है, जिसकी वर्थ $1 तक होगी। तो यहाँ से इस एयर ड्रॉप से आपको बिग अर्निंग हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। ये साइन अप ऑप्शन नहीं आएगा तो साइन इन करें। साइन इन में आपको रजिस्टर या साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप में अपना यहाँ पे निक नेम देना है, ईमेल पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पर अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, फिर इथेरियम वॉलेट का एड्रेस दे देना है यहाँ पर। यहाँ पर अपना बर्थ डेट दे दे जो आपका डॉक्यूमेंट में हो, और यहाँ पर आप साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद फ्रेंड्स आपको साइन इन करना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स साइन इन करने, जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपको ईमेल पर आपका एक्टिवेशन ईमेल आ जाएगा, तो वहाँ से आपको अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम इसका ज्वाइन करना होगा, और नहीं, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करना होगा। फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते ही आपके यहाँ पे 500 टोकन आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगे। इसे मिस न करिए, बहुत ही लेजिट प्रोजेक्ट है और यहाँ से आपको इस प्रोजेक्ट से अच्छी इनकम हो सकती है। दूसरा एड ऑफ ए फ्रेंड्स ई ब्लॉक पावर का। यहाँ पे 40,000 EVP टोकन हमें मिल रहे हैं। तो एयर ड्रॉप में यहाँ पर आपको साइट इसके सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इतने सारे टास्क पूरे करने हैं। ट्विटर चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम के 2 चैनल्स को ज्वाइन कर लेना है, इसके पिन ट्वीट को रिट्वीट कर देना है, फिर इसके सेल्फ ड्रॉप पोस्ट को रिट्वीट कर देना है, फेसबुक चैनल को फॉलो करना है, लिंक्डइन को चैनल को फॉलो कर लेना है, फेसबुक रेडिट पेज को इसका ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब करना है, और किसी 2 पोस्ट पर आपको अपवोट कर देना है। स्पॉन्सर टेलीग्राम ये छोड़ भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये फॉर्म आपको फिलअप कर देना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है, टेलीग्राम का फिर आपको यूजर नेम दे देना है, ट्विटर का यूजर नेम दे देना है। उसके बाद आपको ये ट्विटर पे जो आपने रीट्वीट किया है इसके पिंड ट्वीट को साथ में 5 फ्रेंड्स को उसमें टैग भी करना है, उसका लिंक आपको यहाँ पे दे देना है। इसका सेल्फ ड्रॉप पोस्ट को जो आपने रीट्वीट किया है उसका लिंक आपको दे देना है, फिर टेलीग्राम का यूजर नेम दे देना है, फेसबुक के इसके 2 चैनल्स को ज्वाइन करना है, एक इसके स्पॉन्सर का है, दोनों को ज्वाइन करने लाइक एंड फॉलो करने के बाद अपना फेसबुक का प्रोफाइल लिंक आपको दे देना है, लिंक्डइन का फिर प्रोफाइल लिंक दे देना है, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना है, रेडिट का यूजर नेम दे देना है, इथेरियम वॉलेट का एड्रेस दे देना है, फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। रेफरल टेलीग्राम यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। बस इतने सारे टास्क आपको करना है। 40,000 EPP टोकन मिलेंगे आपको यहाँ पर। और फ्रेंड तीसरा के है कॉइनएक्स एक्सचेंज। कॉइनएक्स एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पर आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फो बताता हूँ। बहुत आदमी यह स्टॉप लॉस सेट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उन्हें लॉस हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके टोकन की प्राइस गिर सकती है तो स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे या बाइनेंस एक्सचेंज पर आपने कोई टोकन बाई किया, जैसे मुझे ये एयर ड्रॉप में रिवार्ड मिला है 157, तो मैं इसे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इसकी वैल्यू 169 है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे 169 वैल्यू है। और अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू अगर गिर जाए, जैसे 150 हो जाए, 140 गिर जाए, और मैं चाहता हूं कि जब इसकी वैल्यू 160 गिर के 160 हो जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली स्टॉप लिमिट में जाएं।
स्टॉप लिमिट में जाने के बाद फ्रेंड्स आप अपने एक मंथ आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो विश है आप जो चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 160 जब अगर इसकी वैल्यू 160 गिर जाए, या फिर आप 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस केस में एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं उस केस में, तो मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू जब 169 से 160 गिर जाए तो ये ऑटो सेल हो जाए। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको ये मार्केट वैल्यू से कम देना होगा, ये ध्यान रखना होगा, और यहाँ दोनों जगह आपको सेम वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप 20 और लिमिट 20 दोनों जगह आपको सेम वैल्यू डालना होगा। यहाँ पे अपना अमाउंट डाल दें जितना आप चाहते हैं, जैसे मेरे पास 157 है तो मैं 150 कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, फिर सेल कर देना है। ये कन्फर्म करते ही ये देखिए ये आपको 2FA कोड मांगेगा, फिर चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना है, इस तरह से आपको स्टॉप लिमिट सेट करते हैं कोइनी एक्सचेंज पर और बाइनेंस एक्सचेंज पर भी सेम फंडा है। ये देखिए मैंने एक स्टॉप लिमिट में लगाया था 184 में, 186 वैल्यू था तो 184 में मैंने लगाया था स्टॉप लिमिट। तो देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया 184 पर, ये ऑटोमेटिक सेल आउट हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप में।